Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपने 324 की संख्या बताई थी, अब वो 324 की संख्या तो नहीं आई, 240 ही आई. और हमने जयपुर डायलॉग में 336 की संख्या बताई थी, वो भी नहीं आई, 240 ही आई. तो खैर, हमारा तो बड़ा फिजिकल टाइप का जो होता है वो, उसमें तो सारे ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आपका सर्वे कैसे गलत हो गया? ओके, सो सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर वाइट वॉशिंग एनीथिंग दैट हैज बीन डन. ओके, तो एट द ऑनसेट ही मैं बता देता हूँ कि येस, आई गॉट द नंबर्स रॉन्ग, आई गॉट द नंबर्स वेरी वेरी रॉन्ग, आई डिड अ बिग बुबू. तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ. तो कहते हैं कि यू नो, जो खेलते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं, उन्हीं का शर्ट खराब भी होता है, राइट? बैठ के जिंदगी को गिरते हैं. इसका एक बहुत पुराना एक शेर है, वो सुना देता हूँ. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं राइट अवे एट दी ऑनसेट बिफोर, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के पास हाथ होता है, कीबोर्ड होता है, तो शुरू हो जाएंगे. सो एट दी ऑनसेट ओनली आई एम सेइंग कि दिस इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एक तो यू नो, येस आई गॉट रॉन्ग, आई हम्बली एक्सेप्ट इट. लेकिन यू नो, वी आर ऑल ट्राइंग टू बी गुड स्टूडेंट्स. और कहते हैं कि यू नो, आपको आपकी सक्सेस कभी कुछ सिखाती नहीं है, राइट? इट्स ओनली व्हेन यू गो रॉन्ग, यू नो, यू नीड टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड और देखना पड़ता है कि यू नो, कैसे हो सकता था, यू नो, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर, और यू नो, वाज देयर सम थिंग्स यू नो व्हिच आई डिड नॉट से पब्लिकली, व्हिच वाज आल्सो टोल्ड एंड प्रोबब्ली वाज नॉट फॉलोड, और अगर वो होता तो कैसे होता. तो few things that I want to tell, you know, whenever we give a muhurta, muhurta is always based on the start and the end point of it. Okay, so jab December mein maine baat kiya tha, you know, January also when I met a few people, I had requested them ke surya has to be in Aries, surya has to cross 5 degrees, or election has to be completed when surya is in Aries. Okay, ye teen part the. So they started when Surya was in Aries. Surya was 5 degrees cross karke 5 degrees 2 minutes pe pahunch gaya tha. So that part was followed to the T, right? Mera 19 April ko shuru hua tha. Aur mera ek request tha ke dekho, aap usko zyada mat khichna. Aur mera ek simple sa logic tha ke dekho, agar aap ek commander in chief ho, right? Aur aapke paas sabse bada army hai. सबसे ज्यादा पैसा है, यू हैव द रिसोर्सेज एज वेल एज यू हैव द फुट सोल्जर्स, राइट? टू अ लेवल के आपके पास अर्ध पन्ना प्रमुख भी है, राइट? सो आप उसको जितना लंबा खींचोगे उतना एडवांटेज आप ओपोजिशन को. वो सारे पन्ना प्रमुख कहीं देखने को नहीं मिले. लोग कह रहे हैं कि साहब, हमको तो किसी पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख किसी ने अप्रोच नहीं किया. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, मुझको भी किसी ने अप्रोच नहीं किया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो उस पर आएंगे, यू नो वॉट आई ऑल्सो सॉ एंड वॉट आई फेल्ट. पर टिपिकली फर्स्ट मैं लॉजिक पार्ट में दे रहा हूँ कि भैया, यू नो, आई हैड रिक्वेस्टेड देम टू मेक इट इन 3 फेज, यू नो, कीप इट शॉर्ट स्विफ्ट, यू नो, यू हैव द रिसोर्सेज, मल्टी फ्रंट वॉर करो. क्योंकि आप अगर 5 सीट के बदले 25 सीट करते हो, तो आप 25 सीट पे अपने लोगों को मोमेंटम दे सकते हो. लेकिन जितना लंबा करोगे, यू नो, उतना यू आर गिविंग एन एडवांटेज टू द ऑपोजिशन. क्योंकि वो अपना छोटा छोटा भी अगर टीम होगा, तो उसको एक जगह से मोबिलाइज दूसरी जगह कर सकते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह कर सकते हैं, यू नो. बट एक साथ में अगर मल्टी फ्रंट वॉर होगा, तो दे वोंट बी एबल टू हैंडल इट. प्लस दैट इफेक्ट ऑफ सूर्य वुड हैव बीन सुपर्ब एज फार एज सूर्य इन एरीज इज कंसर्न. इसलिए अगर आपको याद भी होगा, जब मोदी जी का भी फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन था, तो मैंने लिटरली बोल भी दिया कि यू नो, वी लिटरली पुश्ड दैट, यू नो, एटलीस्ट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन हैज टू बी डन व्हेन सूर्य इज इन एरीज, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट दैट व्हेन सूर्य इज इन टॉरस, यू नो. क्योंकि सूर्य एंड टॉरस का एक अलग ही इफेक्ट होता है, सूर्य एंड मेष का एक अलग इफेक्ट होता है. तो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट वॉज ऑब्वियसली जो ग्राउंड पे अगेंस्ट मोदी जी, अरे अगेंस्ट योगी जी जो काम हो रहा था, यू नो, वेन इवन वेन आई वॉज देयर इन डिसम्बर 2023, यू नो, जनवरी में जहाँ पे था, तो जो फीडबैक आ रहा था या जो भी मैं सो कॉल्ड बिग विग से मिल रहा था, सबका एक ही रिक्वेस्ट था कि यार, योगी जी को कार्तिक जी कैसे भी निकलवाओ, यू नो. और मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया कि मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि भाई, जो बाला साहब ने मोदी जी के लिए बोला था, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोदी गया गुजरात गया, उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ योगी गया यूपी गया. तो अगर आपको इतना ही योगी जी से प्रॉब्लम है, तो यू नो, सेंड हिम टू दिल्ली,
2027 में वो आपके लिए अच्छा ऑपोजिशन है, रादर देन उनको आप कहीं के नहीं रखोगे तो इट विल बी अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू गाइज, बिकॉज विदाउट योगी यू नो उनका एक कल्ट फॉलोइंग है. लेट्स फैक्ट फेस फैक्ट, 240 आया है, बट आफ्टर मोदी जी इफ देर इज एनी अदर कैंडिडेट जिसकी रिक्वेस्ट थी या स्टार परफॉर्मर्स की रिक्वेस्ट थी तो वो डेफिनेटली योगी जी थी. तो इसमें तो जो फाइलिंग हुई है नॉमिनेशन की वो भी बाद में ही हुई है, वो तो इनका तो चुनाव था 4 जून को और इनका मेरे ख्याल से टॉरस में यानी 14-15 मई के आसपास इनका जो है वो फाइलिंग हुआ है. तो वो भी टॉरस का भी एंड आ गया था, टॉरस का भी लास्ट 5 डिग्री ही था इस टाइम हुआ है. तो वो रिक्वेस्ट था मुझे, नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम आई एम. और बाद में जो है आपका जो रिजल्ट आया है वो तो और बाद में आया, उस पे तो इसमें आपके जमीनी में पहुंच गए थे मिथुन में. देखो अगर आप समझोगे, एक चीज मैंने जो ट्रेंड में पकड़ा था वो मंगल को पकड़ा था, यू नो दैट युति ऑफ सिंहासना 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, वो लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया, जिस बेसिस पे मैंने 2012 में बोला था कि मोदी जी विल बी ए 3-time प्राइम मिनिस्टर. सो एट ए वेरी हाई लेवल यू नो, अगर कोई 2012 में मेरा प्रेडिक्शन सुनता तो इवन आप भी क्वेश्चन करते कि अरे यार कार्तिक तू गुजराती है तो तू बोल रहा है यार मोदी जी 3-time प्राइम मिनिस्टर बने, पॉसिबल ही नहीं है यू नो. बट अगर उस वक्त हमने बोला होता कि भैया 240 मिलेगी तो हम मानते कि यार ये तो बहुत अच्छा नंबर है. ये अलग बात है कि मोदी जी योगी जी ने और अमित भाई ने एक बेंचमार्क इतना हाई कर दिया है कि अभी एक मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो हमको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया यू नो, खाली 90% मार्क्स आए, जबकि 99 पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यार हम तो पप्पू पास हो गए बस वही बड़ी बात है यू नो. सो इट्स अ माइंडसेट थिंग. आई ऑलवेज से कि यार हमको आज लो लग रहा है, हमको आज गुस्सा आ रहा है, हमको सारे रीजनिंग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो बार इतना हाई था कि ये बार थोड़ा लो हुआ है तो भी हमको लगता है कि वी आर बिहेविंग एज इफ के बीजेपी हार गई है, जबकि यू नो 240 आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई होती है एंड आफ्टर ऑल दिस दैट हैज हैपेंड एक्चुअली 240 इज नॉट अ बैड नंबर, बट इट इज लुकिंग बैड एंड इट इज अपियरिंग बैड बिकॉज ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी. बी यू नो राम मंदिर का इफेक्ट दिखना चाहिए था. सी यू नो द लेवल एट विच मोदी जी हैज वर्क, we were all expecting ke 300 to par aaram se hoga, there is no choice or there is no way which cannot be there. Secondly Vasundhara ka ye dikha you know, so that also we need to understand ke you know she has played her part also and a politician ka ek way of showing hota hai ke main bhi abhi tak relevant hu you know, ke kai bar kehte hai ke you know kisi ko jitane se acha kisi ko aap hara bhi sako to wo bhi ek way of saying hota hai ke bhaiya हम भी जिंदा है. इसमें दो बात कहूंगा मैं, तो जयत ने वसुंधरा की बात कही तो वसुंधरा ने अपना सारा जोर जिस सीट पे लगाया था वो ओम बिड़ला को हराने में लगाया था. उसमें तो वो सफल नहीं हुई, तो ओम बिड़ला जीत गए, उनकी मार्जिन बहुत कम हो गई, 40,000 के तक आ गई उनकी मार्जिन, लेकिन वो जीत गए. उस पर वसुंधरा ने पूरा जोर लगा दिया था क्योंकि मोदी जी ने वसुंधरा के काउंटर के लिए ही ओम बिड़ला को स्पीकर बनाया था कि ओम बिड़ला का स्टेटस बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली वसुंधरा का जो ऑरा है वो कम हो जाएगा, और वो कम हुआ भी है. वो अपनी खुद की सीट से उनकी डाउन हुई है, ऐसी बात नहीं है कि खुद की सीट में कोई उनकी जो है वो फॉलोइंग बढ़ गई हो या खुद की सीट में वो ज़्यादा मार्जिन से जीत गई हो. लेकिन उनका जो अशोक गहलोत के साथ में जो टैंगो है और इन लोगों ने जो अफवाहें चलाईं उस पर पहले फेज में नुकसान हो गया, बट सेकेंड फेज में दे रिकवर्ड. मैं वसुंधरा का बहुत ज्यादा रोल नहीं मानता, 1-2 सीट पे था एक बात तो ये हो गई. और जो दूसरी बात आपने जो पहले बोली कि यूपी के 3-time प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तो ये 3-time प्राइम मिनिस्टर रहने का मतलब आपका क्या है कि अब चौथी बार बीजेपी नहीं आनी है? फ्रेंकली स्पीकिंग उस वक्त नहीं, इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज अबाउट इंडिविजुअल ना. जैसे मैंने ये सेम चीज इवन केजरीवाल के लिए बोली थी यू नो, so he has also crossed this third term, so now BJP has a realistic chance. So maine jab in fact kya tha, Kiran Bedi was there, everybody was saying it's a master stroke, pakka is bar to BJP leke jayegi. Us waqt bhi maine bola tha ki yaar BJP is losing you know,
सो काफ़ी मेरे को उस वक्त बैकलैश आया था, अरे यार कैसे बोल रहे हैं. अल्टीमेटली आप वन यू नो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन फॉर मी, मैं हमेशा रैशनल थिंकिंग इम्पैशनेटली सोचता हूँ. बेस्ड ऑन दैट 2012 में बोला था, वरना तो उसके पहले ही बोल देता, कोई भी गुजराती लीडर पसंद आता बोल देता जीत चुरा. या एक मनोज कोटेजा जी को यू नो फ्रॉम बॉम्बे यू नो, और उनके राइट हैंड मुझे एक मिले थे. मैंने बोला है आपके पास कुंडली, वो बोल दिखाया कुंडली. तो ऐसे ही उनकी होटल में बैठे थे, मैंने बोला यार ये तो हार रहा है. तो बोला नहीं 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 यार, द ट्रेंड्स आर शोइंग ही इज़ विनिंग. मैं बोला यार ये अगर उनकी कुंडली है तो वो हार रहे. सो उन्होंने वो बता दिया कि यार ये कार्तिक जी आए थे, उन्होंने बोला कि यार आप हार रहे, तो अल्टीमेटली हारे. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इलेक्शनिंग थिंग होती है ना, मल्टीपल लेयर पे काम करती है. यू नो बेस्ट कब काम करती है, व्हेन यू हैव इवन द चार्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स आल्सो. यू नो दैट्स व्हेन यू नो इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर. जैसे जय पांडा जी इज विनिंग या संबित पात्रा इज विनिंग, यू नो देन इट बिकम्स कैंडिडेट चार्ट विद मोदी जी चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. Lot of other things can be good, done very well, you know. But yeah, overall, I do feel that if they would have gone in a smaller phase, wo Suri and Mesh ka maximum benefit unhone liya hota, itna phases mein wo Ketu ko touch nahi kiya hota. Wo jaise maine aapko bola tha, jo Ketu ka hota hai, that is extremity in either ways. So ho sakta hai to 400 paar bhi hoga, you know, nahi hoga to you know niche bhi rakhega. Kyun? Because the same Ketu rules the sadhu, same Ketu rules terrorism. इसलिए केतु को जो extremities of कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, मेरा religion सबसे best है, तो उसमें या तो वो एकदम साधु बन जाएगा और meditation के रास्ते पे लग जाएगा, सब कुछ त्याग देगा, या तो फिर वो सर पे कफन बांध के फिर चला जाएगा. That's why that Ketu number is very very thing. अच्छा दूसरा एक आप देखो, मैंने दोनों जो number दिया था 324 and 369, दोनों का टोटल मंगल आ रहा है नंबर 9. अल्टीमेटली ही स्वोन ऑन द 9th. ओके 9th पे उन्होंने स्वेयरिंग इन किया, नंबर 9 मंगल का. और आपके ही ट्वीट से मैंने देखा कि यूर कैबिनेट मिनिस्टर्स आर 72, 7 प्लस 2 9, यू नो. सो समवेयर डाउन द लाइन एंड इट इज स्कॉर्पियो लग्न. अगेन स्कॉर्पियो लग्न का स्वामी भी मंगल होता है और केतु भी होता है. सो देयर इज अ ड्यूअलिटी एज फार एज the new swearing in chart is concerned, where we will come up to. So that mangal effect which I saw would fructify, wo fructify hua swearing in mein. Acha abhi iska koi, main ek rider dena chahta hu wapas, ke koi isko ye na samjhe ke main isko whitewash kar raha hu and hindsight mein try kar raha hu. Yes definitely I got the numbers wrong, but main ek sirf ek student ko samjhana chahta hu ke probably what I thought, let me know if it is it works for you. Modi ji has got 10th lord in the second house, which is Simhasana Yoga with Mangal, but वो चंद्र debility का है, right? Scorpio का वृश्चिक राशि में है. Debility का चंद्र है तो typically तो should give bad results of debility, लेकिन अब तक तो उनको हमेशा राजयोग मिला है. So this was the first time मैंने सोचा, जब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, और ये चीज़ उन्होंने बोला भी है कि यार this is my first election without my mother being next to me, and mother is चंद्र. So कहीं ना कहीं वो जो debility effect was taken over by her mother, because debility का मतलब क्या है, you have to do menial things. उनकी माता भी वो घर का काम करती थी, बर्तन मांजती थी लोगों के घर पे जाके. सो टेक्निकली दैट डेबिलिटी का इफेक्ट तो माने लिया है कि मेरा बेटा राजयोग भोग सके, यू नो दैट्स वायर द परिवर्तन एंड द युति इज एन ऑल वर्क. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेर नोबडी वॉज रेडी टू टेक इन अवे द डेबिलिटी ऑफ चंद्र. So, ये एक thought process मुझे लगा as a Raj Jyotishi, if you can sort of find value to that, if you think, then these are the Nimittas also we need to look at it.